आज मैं आपको बता रहा हूँ सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी को सेट ऑफ कैसे करते हैं। एक ओल्ड रूल था जो कि फरवरी 2019 से पहले था, और एक न्यू रूल जो है इसको थोड़ा सा चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुई है, और वो हुई है फरवरी 2019 में। तो ये न्यू रूल है, मैं आपको दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि पहले क्या रूल था और अभी क्या रूल है। ये तो आपको पता ही है, एक आउटपुट जीएसटी होता है और एक इनपुट जीएसटी होता है ना, और जीएसटी भी तीन टाइप का, ये भी पता है आपको, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। तो ये हो गया आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। ऐसे ही इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है, एक आउटपुट और एक इनपुट। आउटपुट का मतलब जब हमने माल सेल किया था तो जो हमने अपने कस्टमर से लिया है वो है आउटपुट सीजीएसटी, और इनपुट सीजीएसटी जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो हमने भी तो जीएसटी दिया होगा ना, तो होता है इनपुट सीजीएसटी। अब आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से कैसे सेट ऑफ करते हैं, देखो आउटपुट सीजीएसटी को सबसे पहले, क्योंकि ये सीजीएसटी है, सीजीएसटी को सीजीएसटी से ही सेट ऑफ करेंगे। आउटपुट यानी कि आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी लिखा ना, नंबर वन सबसे पहले इससे सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आउटपुट सीजीएसटी में कुछ बैलेंस बचता है तो उसको आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, यानी कि सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, फिर भी इसमें बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी से करेंगे, एसजीएसटी से नहीं कर सकते। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी से ही, अगर फिर भी आउटपुट में कुछ बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी से, ठीक है। अब आ जाते हैं एसजीएसटी पे, यानी कि स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी बिल्कुल पहले स्टेट को स्टेट से ही करेंगे, स्टेट को स्टेट से, यानी कि आउटपुट एसजीएसटी को इनपुट एसजीएसटी से ही करेंगे सेट ऑफ, फिर भी इसमें अगर कुछ बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी में जाएंगे, ठीक है। यानी कि स्टेट के जीएसटी को सेंट्रल के जीएसटी से बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे यहां था ना, सेंट्रल जीएसटी स्टेट वाले से सेट ऑफ नहीं होगा, स्टेट जीएसटी सेंट्रल वाले से कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी पहले अपने से ही आईजीएसटी को आईजीएसटी से ही करेंगे, फिर भी अगर इसमें बैलेंस बच गया तो सेंट्रल से, फिर भी बच गया तो स्टेट से, यानी कि आईजी जो यानी कि जो आईजीएसटी है वो तीनों से हो सकता है। पहले नंबर पे आईजीएसटी को आईजीएसटी से, दूसरे नंबर आईजीएसटी को सीजीएसटी से, तीसरा नंबर फिर भी अगर इसमें बैलेंस बचता है तो एसजीएसटी, ठीक है। तो ये तो ओल्ड रूल था, लेकिन न्यू रूल में जो फरवरी 2019 के बाद चेंज हुआ है उसके अंदर देखो, आउटपुट सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल को करना सेंट्रल से ही है, लेकिन पहले आईजीएसटी से। देखो फर्क क्या है, पहले सेंट्रल को हम सेंट्रल से करते थे, पहले हम सेंट्रल को सेंट्रल से करते थे, फिर भी अगर बैलेंस बच गया तो इंटीग्रेटेड में जाते थे। अब नया रूल क्या कहता है कि पहले सेंट्रल जो जीएसटी है उसको आईजीएसटी से सेट अप करो, फिर भी अगर इसमें बैलेंस बचता है तो सीजीएसटी पे आओ। और वो वाली बात सेम ही है यहां पर भी कि सेंट्रल को स्टेट से कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो सेंट्रल को पहले आईजीएसटी से, फिर सेंट्रल को सेंट्रल से। ऐसे स्टेट आ गया, स्टेट को पहले आईजीएसटी से, है ना, और फिर भी अगर इसमें बैलेंस बचा तो स्टेट को स्टेट से। ये बात पक्की है कि स्टेट को सेंट्रल से कभी नहीं कर सकते, यानी कि सेंट्रल स्टेट से और स्टेट सेंट्रल से तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड बिल्कुल सेम है, जो पहले ओल्ड रूल था वही अभी भी न्यू रूल है कि आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से, फिर भी बैलेंस बच गया तो सेंट्रल से, फिर भी बैलेंस बच गया तो स्टेट से, ठीक है। तो ये न्यू रूल के अकॉर्डिंग है। इसको एक तरह से और समझो, ये है आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, ये आउटपुट है और इधर मैंने इनपुट लिखा है। तो ओल्ड रूल के हिसाब से सीजीएसटी पहले किससे सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी से। अगर इसमें फिर भी आउटपुट सीजीएसटी में फिर भी कुछ बचा तो वो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ये नंबर वन और ये नंबर टू, ध्यान रखना सेंट्रल स्टेट से कभी भी नहीं होगा, ये सेंट्रल स्टेट से कभी भी नहीं होगा और स्टेट सेंट्रल से कभी भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर भी अगर इसमें बैलेंस बचा तो आईजीएसटी से। एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर यहां पर आउटपुट सीजीएसटी है 8000
और इनपुट भी अगर 8000 है तो आउटपुट सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी 8-8 खत्म हो गया, दैट्स ऑल। यानी कि हमारा सीजीएसटी का बैलेंस बचा ही नहीं, कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, नहीं शो करेंगे हम, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसा होता है कि सीजीएसटी है 8000, आउटपुट सीजीएसटी है 8000 और इनपुट सीजीएसटी है 7000, तो अब क्या हुआ, 8000 आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट 7000, तो 7000 से 7000 तो कट गया, लेकिन अभी भी यहां आउटपुट सीजीएसटी में 1000 का बैलेंस बच गया, तो वो 1000 का बैलेंस किससे सेटअप होगा, आईजीएसटी से। मान लिया आईजीएसटी में 3000 का बैलेंस है, तो ये 8 कैसे सेटअप होगा, 7 तो इधर से कट गया और ये जो 1000 बचा वो इधर से कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आईजीएसटी में बैलेंस बच जाएगा 2000, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं हम एसजीएसटी पे। एसजीएसटी किससे सेटअप होगा, एसजीएसटी से ही सेटअप होगा सबसे पहले तो, और फिर भी अगर बैलेंस बचा तो ये आईजीएसटी से सेटअप होगा, ठीक है। बिल्कुल सेंट्रल की तरह कि पहले सेंट्रल, सेंट्रल से होगा बैलेंस बचा तो इंटीग्रेटेड से होगा। स्टेट जीएसटी के साथ भी यही है कि पहले स्टेट जीएसटी सेटअप होगा, फिर भी बैलेंस बच गया तो आईजीएसटी सेटअप होगा। और तीसरा है इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड से ही सेटअप होगा, है ना, और फिर भी बैलेंस बच गया तो स्टेट से नंबर 2 और सेंट्रल से नंबर 3। तो इस तरह से ये जीएसटी सेटअप होता है। तो ये तो ओल्ड रूल था, तो न्यू रूल के हिसाब से क्या होगा, सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी से नहीं होगा, सीजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी से होगा नंबर 1, फिर भी इसमें बैलेंस बचा तो सेंट्रल से ही होगा नंबर 2 पे। यानी कि पहले सीजीएसटी होगा आईजीएसटी से, फिर भी इसमें बच गया तो सीजीएसटी को सीजीएसटी से करना। उसके बाद आती है एसजीएसटी की बारी, तो पहले एसजीएसटी भी नंबर 1 एसजीएसटी जाएगा आईजीएसटी से, फिर भी इसमें बैलेंस बचा तो एसजीएसटी से नंबर 2 पे, ठीक है। एसजीएसटी पहले नंबर 1 पे सेटअप होगा आईजीएसटी से, और फिर भी इसमें बैलेंस बचा तो एसजीएसटी से। और आईजीएसटी के साथ सेम रूल है, आईजीएसटी नंबर 1 पहले तो होगा आईजीएसटी से, फिर भी बैलेंस बचा तो सेंट्रल से नंबर 2, फिर भी बैलेंस बचा तो स्टेट से नंबर 3, ठीक है। तो ये न्यू रूल के हिसाब से, तो ये सेटअप करने के बाद आप इसको अपनी बैलेंस शीट में शो कर दो, जो भी बैलेंस बचा है। यानी कि अगर आउटपुट का बैलेंस बच रहा है, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कोई भी आउटपुट का अगर आपका बैलेंस बच रहा है तो उसको लायबिलिटी साइड पे शो कर दो। अगर इनपुट का कोई भी आपका बैलेंस बच रहा है, चाहे वो सीजीएसटी हो एसजीएसटी हो आईजीएसटी हो, सेटअप करने के बाद मैं बता रहा हूं, तो जो भी इसका बैलेंस बच रहा है इनपुट का, तो उसे आप अपनी एसेट साइड पे शो कर दो,